जुमे पर जमीन से आसमान तक निगरानी। वाराणसी में मुस्लिम संगठनों की अपील, किसी के उपसावे में न आए मुसलमान। आज मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा की जाएगी, इसे लेकर वाराणसी में पुलिस और प्रशासनिक अमला हाई अलर्ट मोड में है। नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके मद्देनजर शहर से लेकर गांव तक जमीन से आसमान तक चप्पे चप्पे की निगरानी की व्यवस्था बनाई गई है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ILU को सूचना संकलन के काम में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने के लिए अफसरों ने कहा है। वही मुस्लिम संगठनों ने अपील की है कि नमाज अदा करने के बाद मुसलमान शांतिपूर्ण तरीके से अपना कामकाज करे, किसी के बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं है। 11वीं मस्जिद की देखरेख करने वाले अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, बुनकर बिरादराना तंजीम 22 कमेटी और जमीयते उलमाए उत्तर प्रदेश पूर्वी जोन सहित अन्य संगठनों ने मुसलमान के लिए अपील जारी की है। खासतौर से नौजवानों से कहा है कि गंगा जमनी तहजीब वाले इस शहर में अफवाहों पर कतई ध्यान न दे, संयम का परिचय देते हुए सद्भाव बना रखे कोई शरारत करने का प्रयास भी करे तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे। मुस्लिम संगठनों ने कहा कि कुछ लोगों की शरारत की वजह से सभी लोगों पर सवाल उठते हैं, इसलिए ऐसा कोई काम न करे कि माहौल बिगड़े, कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होने देंगे। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि किसी भी सूरत में शांति और कानून व्यवस्था को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। गड़बड़ी का प्रयास करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। मिश्रित आबादी वाले संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी कराई जा रही है। दंगा नियंत्रक उपकरणों से लैस होकर फोर्स पैदल गश्त कर रही है और अफसर संभ्रांत लोगों के नियमित संपर्क में है। थाना और चौक प्रभारियों को कहा गया है कि वह हर छोटी बड़ी सूचना अपने सर्किल के SAP के साथ शेयर करें। जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई जाएगी। आज शुक्रवार यानी जुमे की नमाज का दिन है। बीते शुक्रवारों को प्रदेश और देश के अलग अलग इलाकों में हुई हिंसा के मद्देनजर बनारस का पुलिस और प्रशासनिक महकमा हाई अलर्ट मोड पर है। मिश्रित आबादी वाले संवेदनशील इलाकों में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। तो सुबह से ही सड़कों पर फोर्स पैदल गश्त कर रही है। मुस्लिम संगठनों ने मुसलमानों से अपील की है कि वो संयम बनाए रखें और ऐसा कोई काम न करें जिससे शहर का सौहार्द प्रभावित हो। वहीं पुलिस कमिश्नर ACC गणेश ने कहा है कि शांति और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले बक्से नहीं जाएंगे। उन्होंने अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।